और ये देखिए सलमान भाई का स्टॉक आया है बारिश के समय, और ये देखिए और भी कुछ लोग हैं जो अपने मटेरियल लेने आए, राजा भाई और हमारे फाजिल भाई। हमारे राजा भाई क्या लेने आए हैं? भाई हम डोर लेने आए हैं। और कहां के चक्कर में डोर पर बनवा रहे हैं? बेकार वाले। बहुत ही नायाब डोरों का कलेक्शन हमारे सलमान भाई के पास। इससे पहले इनसे डोर बनवा चुके? आपने डोर बनवाई है? बनवा चुके हैं और इनको काफी तजुर्बा है डोर और टून सर्दी के। ये तो है क्योंकि खुद भी लड़ाते हैं। तो देखिए सलमान भाई मटेरियल निकाल लें, और अभी जो राजा भाई की डोर निकलेगी, काफी मशहूर है हमारे राजा भाई भी, और इस टाइम गोल्डन बूट से शौक कर रहे हैं लेकिन जल्दी क्लब बदलने वाले हैं। आज 10 दिन से डोर का इंतजार करते हुए। अच्छा 10 दिन हो गए? जी 10 दिन। तो किसकी डोर बनवाई है फाजिल भाई? जसीम भाई। और बहुत ही अच्छे कारीगर हैं शहर ऊपर, लेकिन अच्छा। इनकी डोर सिर्फ आपको यूनिक काइट क्लब में ही मिलेगी। अच्छा यहीं पे आ रही है? ये पहली बार हमने भी नाम सुना है इनका, जसीम भाई का। जसीम भाई की डोर कहीं नहीं मिलेगी आपको सलमान भाई के पास। चलिए देखिए माल निकाल रहे हैं सलमान भाई अपना। ये देखिए ये हमारे फाजिल भाई मदद करते हुए बहुत बढ़िया बदना लाते हैं। और टूर्नामेंट में इनको लड़ाते हुए देखा होगा, जो अड्डी वाला टूर्नामेंट हुआ था। एक बंडल देखिए, और भी कुछ स्टॉक आ चुका है जो कल परसों आया था, लेकिन फाजिल भाई ये देखिए टेढ़े हो गए हमारे सलमान भाई उठाते। तो चलिए देखते हैं और भी लोग आने हैं जिनके बंडल हैं इसमें, जो ऑर्डर पे बन के आए हैं वो भी देखेंगे किस तरह के बंडल हैं हमारे सलमान भाई। और जो भी माल आया उसको अनपैक करते हैं फिर, जिस जिसका भी माल है। और भी लोग यहाँ आने हैं, सैफ भी आने वाले हैं गाजी क्लब के, और भी एक दो लोग को बुलाया है जिनका मटेरियल ऑर्डर पे माझा या रील बन के आई है। तो देखते हैं कि और भी मटेरियल किसी का कुछ बन के आया है। टून भी? हाँ टून भी एक आध लोगों पे है। टून भी है? तो चलिए टून भी देखेंगे। और ये ब्लेड निकालते हुए देखते हैं क्या क्या माल क्या मटेरियल आया है। तो सलमान भाई ये किसके बंडल है याले कस्के में? ये हसीन भाई का नया ब्लॉक है भाई, मैग्नेट नया ब्लॉक जो अच्छा। लखनऊ में हम ये देखिए पहली बार एक और नया ब्लॉक हसीन भाई का मैग्नेट। तो ये मतलब ये नंबर वन से ऊपर है नीचे है शिकारी के कहाँ पे? ये लच्छी और नंबर वन के बीच में है। अच्छा लच्छी और नंबर वन के बीच का ही है, नंबर वन के टक्कर का है। क्या प्राइस होगा इसका? ये फैंसी चरखी पे आपको 2350 का। फैंसी चरखी पे 2350 का? और अगर चरखी और चरखी वापस करेंगे तो? चरखी वापस नहीं, उन्होंने लगा के ही दी जैसे वो अपने लगा। अच्छा मतलब ये है कि आप नाम से लगा दिए उन्होंने दुकान के नाम से। लेकिन फिर मान लीजिए जैसे आदमी कहता भाई हमको दोबारा रील चाहिए तो फिर चरखी वो देंगे तो चरखी पे बनवा देंगे। अच्छा तो मतलब उसका रेट फिर कम कर देंगे? जैसे मान लीजिए ये बंडल हमने आपसे लिया, चरखी तो ये उन्हीं की ही लगी आ रही, जैसे वो नंबर वन में फैंसी चरखी लगाते हैं अपने नाम की। अच्छा उन्हीं ने कहा था कि हमने उनसे कहा था कि मेरे नाम की चरखी बना दी। ये देखिए इस पे यूनिक काइट सेंटर लिखा हुआ है और इस नाम से चरखी, तो मतलब ये आपको चरखी के साथ ही सेल करेंगे? साथ ही उन्हीं ने दी, उन्हीं ने मेरे दुकान के नाम से और मेरे लिए ही बनाया। मतलब आपकी दुकान पे ये ब्लॉक मिलेगा? लखनऊ में मेरे ही पास। तो 2350 रुपए? 2350 ये बीच अगर लेंगे 2150। अच्छा मतलब डीले दोनों है नॉर्मल पे भी? अच्छा तो नॉर्मल पे 2150 की और इस पे 2350, तो दोनों ही बंडल है। और देखिए नया ब्लॉक है हसीन भाई का। अब हसीन भाई के 5 ब्लॉक हो गए, नॉर्मल लच्छी और ये मैग्नेट आ गया है नया, और उसके बाद नंबर वन और शिकारी। क्या कहना फाजिल भाई, हसीन भाई निकालते जा रहे हैं जबरदस्त। यही लड़ेगा अलीगढ़ में। तो ये देखिए हमारी टीम है और गोल्डन वुड की टीम है ये, फाजिल भाई और राजा भाई जाने को है अलीगढ़। तो अलीगढ़ में कब आप लोग जा रहे हैं? आज रात। अच्छा आज रात में निकल जाएंगे। 3 दिन का गेम, 2 दिन का गेम? 3 दिन का। 3 दिन का गेम है, चलिए बहुत बढ़िया। अलीगढ़ में कोई ना कोई वीडियो बनेगी तो देखेंगे हमारी टीम कैसे लड़ाएगी वहाँ पे। उसी गेम की तैयारी करने के लिए अच्छा सलमान भाई के पास आए मटेरियल लेने। हमारा तो फिर अब हार गए, फिर गए टिकट तैयारी हो गई। भरोसा है ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा दूर से ज़्यादा सलमान भाई को भरोसा है कि इनके यहाँ जो मटेरियल मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। इससे पहले भी बनवाए बंडल एक दो बार? 8 साल तो वो भी जसीम भाई के ही बनवाए हैं? बिल्कुल जसीम भाई की, सलमान भाई के जरिए ही मिली। और अच्छा। बिंदी मामा का टून अगर आपको ओरिजिनल चाहिए जी जी वाकई क्वालिटी क्वालिटी वाला तो सलमान भाई से ये हाँ ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट बिंदी मामा अपना जो मटेरियल है टून है वो यहीं पर भेजते हैं। और इसमें किसके ब्लॉक है? अच्छा मतलब अलग अलग कारीगर है, अच्छा ये देखिए सैफ गाजी वाले भाई की, और जब वो आ जाएंगे तो उन्हीं से खुलवाएंगे। बाकी बंडल आप निकालिए तो देखते हैं क्या क्या मटेरियल निकलता है। ये देखिए 2 सैफ की बन के आई है जिनको आपने देखा होगा, अरफात और गौरव भाई वाले गेम है सैफ गाजी क्लब के। तो देखिए बाकी बंडल भी हमारे सलमान भाई निकलते जा रहे हैं। ये किसकी आई है? सलमान। ये देखिए मन्नू भाई की, काफ़ी मशहूर है मन्नू भाई, और मोटे ढर्रे की डोर बनाते हैं। देखेंगे सलमान भाई की डोर, पहले ही सारा जो झोला है खाली कर ले एक बार, उसके बाद देखते हैं सब अलग अलग।
देखिए तारिक भाई की आई है जो खाला बाजार में है। अच्छा तीनों उन्हीं की है, फैंसी पे ये भी उन्हीं की है। अच्छा तीन चरखियाँ हैं, ये तारिक भाई की है। अभी सभी लोग यहाँ आने को है तो आप भी पहचान जाएंगे किसका किसका मटेरियल। क्या बात है, ये सब खुली जा रही हैं? ये असल में जो है भाई इसकी कार्टून में नहीं आई है ना बारिश की। अच्छा कार्टून वहाँ मिल नहीं रहा था, थैले पे रख के बैठी है। अच्छा तो खुल गया थोड़ा। आजम की क्या खुली है? आजम के भाई की। आजम क्या प्राइस होगा इसका? ये 1800 रुपये। ये देखिए आलम भाई की डोर है, बहुत बढ़िया डोर है। मैं बता दूँ दो चार क्लब लखनऊ में ऐसे हैं जो इनसे डायरेक्ट बनवाते हैं, आलम और अजीम भाई से। तो अजीम के भाई हैं आलम, वो बहुत बढ़िया डोर रहती है। जैसा भी डोर है फाजिल भाई डोर को देखते हुए क्या कहना है? बहुत बढ़िया सलमान भाई की कोई चीज़ खराब, कोई चीज़ खराब नहीं, आवाज ना पड़ो इनके चक्कर में, कटैया होने लग जाएगी। उस्ताद है, अगर आज मार्केट में आपको फ्रॉड से बचना है, कई तरह की मिलावट डोर और पतंग और तक में है, तो आप यूनिक टाइप में आइए। यहाँ किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। देखिए यहाँ जो भी पतंगबाज आते हैं, क्योंकि जानते हैं सलमान भाई पतंग उड़ाते हैं, तो जो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे काइट फाइटर हैं लखनऊ के, वो बढ़िया माल जो है वो अपने सलमान भाई से ही लेते हैं। तो ये और भी बंडल हैं, सलमान भाई निकाल रहे हैं। ये मौसम में कौन सी चांद नियाजी कॉटो यही कटेगी ना? अच्छा जैसे क्या है कि महीन डोर हुई, महीन डोर है तो हार हो, लेकिन उसके हार है जो भी ली है यानी ना ली। चांद नियाजी आलम के भी तीन ब्लॉक हैं। आलम आलम भाई की भी डोर आई है, 5 स्टार आती है, 7 स्टार आती है। ये कौन सी है? 5 स्टार है ये आलम की। देखिए 5 स्टार भी है, एक दो मंडल अभी हम लोग खुलवाएंगे। तो आइए आलम वाली डोर क्या प्राइस में? 1800 मतलब अजीम और आलम दोनों के 1800 के रेट में। तो 7 स्टार भी इसका आया क्या? हाँ इसका 7 स्टार भी, 7 स्टार जो है वो लखनऊ में नहीं देते हैं जल्दी। अच्छा लेकिन हमको देंगे उन्हीं ने। अच्छा मगर किसी को चाहिए होगा तो मंगा देंगे। और ये जो राजा भाई की जसीम आपने बनवाई है सलमान भाई, वो क्या मतलब प्राइस की है, क्या रेट है? कुछ पच्चीस सौ की। और नॉर्मल पे? नॉर्मल पे अपने आप नॉर्मल पे जब आएगी तब वो बताएंगे। तो मतलब क्या ऑर्डर पे ही बनवा रहे हैं जसीम भाई की? ऑर्डर से ही मतलब बोला है कि हम शौकीन को ही खाली देते हैं, दुकान पे नहीं। अच्छा दुकान पे ऐसे सेलिंग नहीं होती। तो ये देखिए, तो ये देखिए जसीम भाई की डोर पहली बार हम भी देखने जा रहे हैं, और सिर्फ ऑर्डर पे ही बनाते हैं जैसे सलमान भाई बता रहे हैं। तो देखते हैं कैसी डोर होती है। और ये देखिए स्पेशल चरखी पे ही है डॉन नंबर 1 जसीम भाई। ये ब्लॉक है तो हमारे राजा भाई खोलने जा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा दो दुकान के नाम की चरखी। अच्छा दुकान के नाम ये देखिए चरखियाँ हैं। चलिए बढ़िया क्वालिटी की चरखी है, इससे ये रहेगा आपका मांझा बचा रहेगा, क्योंकि शीट वाले में कभी कभी चरखियाँ खिसक जाती हैं जिससे मांझा ख़राब हो जाता है। तो राजा भाई को ले, दोनों चरखी राजा भाई की हैं। अभी हम लोग कुछ ब्लॉक खुलवाएंगे, इसमें काफ़ी हैं। अभी देखिए इसके अंदर भी मटेरियल रखा है, तो काफ़ी माल आया हुआ है, देख लेते हैं। और ये देखिए हल्का पीला कलर है, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी जैसा, बहुत ही शानदार डोर। और ये देखिए मुझे सभी से इंतजार था, अच्छी डोर बनी है जसीम भाई। 10 दिन का इंतजार रहा। 10 दिन के बाद ये डोर मिली है, बढ़िया डोर, अच्छा ढर्रा। और दूसरा बंडल आपको कौन सा? ये वाला एक बंडल ये है, दो बंडल भेजे गए, एक याला बंडल भी है। तो राजा भाई इसको भी खोल के दिखा दीजिए ज़रा, लो फाजिल इसको बंद कर दो। तो देखिए राजा भाई इसको खोल लें। तो ये ऑर्डर पे जो बनी है कितने की है? ये किसी की बनी हुई है, ये भी किसी की बनी हुई है। ये देखिए ये भी इसी के ऑर्डर पे आई है, थोड़ी सी ग्रीनिश है। और ये जो ये राजा भाई की आपने बनवाई सलमान भाई, ये किस रेट में है? देखिए ये भी ग्रीनिश है हल्की सी। और इस डोर की खासियत यह है कि इसका काटा बहुत ही शानदार है, जो आपको किसी डोर में नहीं मिलेगा। बढ़िया काटा है और मीडियम से भी कहे 19 के ढर्रा होगा, बढ़िया ढर्रा है मौसम के हिसाब से। तो लड़ रही बढ़िया डोर, लड़ रही है बहुत ही अच्छी, लड़ी बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा स्कोर इसी डोर से हमने करा। अच्छा डोरी काट, इसीलिए ये डोर जा रही है अलीगढ़ बन गया। ये अलीगढ़ के लिए स्पेशल तैयार करा, ये दो बंडल देखिए हमारे अलीगढ़ के लिए जा रही है। अलीगढ़ वाले अगर कोई वीडियो देखता है तो बताइए कि जरूर कि इन्होंने ये डोरे बांध के कैसा लड़ाया वहाँ पर। ये 7 स्टार है आलम की, ये देखिए 7 स्टार आलम की, ये भी आई हुई है, बढ़िया डोर। इसको भी खुलवाएंगे, जो टॉप के बंडल हैं कुछ खुलवाएंगे। देखिए पर्पल रंग की डोर है, बढ़िया डोर है। और ये देखिए बंडल निकाल लें, ये देखिए आलम के भी 7 स्टार आए हुए हैं। अच्छा ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी है क्या?
ज़्यादा अच्छी नहीं है, वैसी भेजी थी। अच्छा चरखी आपकी अपनी भेज रही है, भेजिए। देखिए कलर देख रहे हैं, ग्रीनिश है शायद, नहीं थोड़ा सा मेहंदी मेहंदी कलर है। बढ़िया। और भी देखिए दो तीन बंडल हैं, खुद ही देख लेते हैं हम। ये भी आलम भाई की है, और ये आलम का ब्लैक 5 स्टार है। और देखते हैं कौन कौन सी आई है। ये ब्लैक है, ये टॉप का मॉडल है। और ये देखिए येलो कलर की डोर दिख रही है हल्की, ब्लैक डायमंड। और ये भी देखिए ब्लैक है, ये पर्पल पे है। ये सब टॉप के ब्लॉक है। एक बंडल और है, तो चलिए कुछ बंडल उसमें से खुलवाएंगे जो टॉप के हैं। और ये अब ये झोला खाली हो गया है तो उसको हटा देते हैं। देखिए काफ़ी बंडल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये ढल रहा, थोड़ा मीडियम ढल रहा है। और बढ़िया डोर है, काटा भी मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा काटा है। धूप आएगी तो और ज़्यादा खिलेगा। क्या कहना राजा भाई? बिल्कुल लाजवाब, डोर का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आलम काफ़ी मशहूर नाम है, अजीम और आलम भाई का। बढ़िया डोरे रहती हैं। और ये देखिए एक और है, तो पहले हम लोग रीले देख लेते हैं। देखिए इसमें टून है, तो फिर बाद में टून किसके हैं ये सब? इसमें बनने का है भाई, छिलने का है। बनने तो खैर देखिए नाम एक चल रहा है, जी नाम चल रहा है जी जी। बनने बनाते थे, कम बनाते थे, उनके कारीगर बनाते हैं बबलू और छिलने। अच्छा, उनके भाई है छिलने और बबलू एक कारीगर है। अच्छा, बबलू का टू। अच्छा, ये बबलू का टू। चलिए बनने के नाम से बिकता है, बनने के नाम से ठीक क्वालिटी। तो चलिए पहले एक बार रीले देख लेते हैं, उसके बाद फिर टून खुलवाते हैं, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सलमान भाई एक जसीम भाई की एक और डोर खोलना है, खास करके बेटी के लिए अलग बने। किसी ने अपनी चरखी दी थी तो उनकी मेहंदी कलर है, ये पिस्ता कलर खास करके बोला था भाई। बढ़िया कलर, क्योंकि इसी कलर से वो पहले काट चुके थे बहुत अच्छा कलर, तो उनको यही कलर चाहिए था। डोर एक और है जसीम भाई की, बढ़िया डोर है। तो सलमान भाई को फिर से बताइए जसीम भाई का प्राइस क्या है, कौन कौन से आपके पास ब्लॉग है? ₹2500 जो हमको क्वालिटी देंगे वो ऑर्डर पे ही बनेगी। ऑर्डर पे ज़्यादातर ये सबकी चरखियाँ आई आई हैं, सब बनी। एक तो बचेंगी अगर तो बचेंगी, वरना जो पसंद आई सब ले ही जाएंगे। तो 2500 है, जिसको लेनी जल्दी ले लें, क्योंकि बंडल बहुत है। तो सारे बंडल खुलवाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सलमान भाई जो आलम के आपके तीनों ब्लॉक हैं आप दिखा दीजिए, क्या प्राइस है, क्या रेट में है और कौन कौन से ब्लॉक है? तीन ब्लॉक है। अच्छा, एक तीन ब्लॉक स्टार, एक सेवन स्टार। तो ये देखिए आलम का 5 स्टार है, 7 स्टार और ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। तो तीनों एक एक बंडल एक बार खोल के दिखा दीजिए, क्या क्या प्राइस है वो बता दीजिए। ये 5 स्टार है, ये 1800 रुपये। काफ़ी स्टॉक आ गया है और काफ़ी बंडल खुल भी गए हैं, तो आला भी देख लेते हैं। आलम काफ़ी मशहूर नाम है, लखनऊ में काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए जेड ब्लैक डोर है, कितना बढ़िया ढर्रा है और मीडियम ढर्रे की कांटेदार डोर है। मौसम जैसे सीला है लेकिन डोर में काफ़ी काटा है, तेज काटा, तेज धार है। क्या प्राइस है इसका 5 स्टार का? 1800 रुपये। उसके ऊपर वाला 7 स्टार 2200। उसके ऊपर 2450। तो ब्लैक डायमंड अगर हो तो वो भी दिखा दीजिए एक। तो इसके ऊपर 7 स्टार है, समझ लीजिए उसकी धार इससे ज़्यादा होगी। और इसके ऊपर आएगा ब्लैक डायमंड, तो ये है ब्लैक डायमंड। तो ये 7 स्टार है, ये देखिए 7 स्टार। और इसका प्राइस 2200 रुपये। और इसके ऊपर है ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड। तो एक ब्लैक डायमंड भी खुलवा के देख ले रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डोर कैसी है। डोर गज़ब की डोर है आलम की, 1800 वाली भी है और 2200 वाली भी। और ये देखिए इसका कलर गजब का कलर लिख लिया है। ये डोर भी बहुत है, बहुत बढ़िया डोर, बल खुली हुई डोर। देखिए थोड़ा करीब से दिखाते हैं, बल खुले हुए हैं, ये देखिए खुले बल की डोर है, बढ़िया डोर है। और क्या प्राइस का? 2400 रुपये। तो तीनों ही ब्लॉक है आपने देख लिया आलम के, जो कि आप यूनिक गाइड सेंटर पे आपको मिलेगा। अच्छा, 2450 का 2400 में मिल जाएगा। तो तीनों ही ब्लॉक अब आलम के आपको यूनिक गाइड सेंटर में मिल जाएंगे, 1800 2200 और 2450 का है, लेकिन 2400 लग जाएगा। बढ़िया। तो सलमान भाई किसका खोले आ रहे हैं ब्लॉक अब? ये मन्नू भाई, मन्नू भाई का। पहले बहुत ज़्यादा मन्नू भाई की डोरे चल रही थी, थोड़ी लदी लदी आती थी, और ये देखिए थोड़ा सा वैसी है, मटेरियल ज़्यादा रहता है। रील आ पाती है, 10 रील की आती है, ये भी 10 रील की। अच्छा, ये 10 की 10 है, 12 नहीं, लदने की वजह से। ये देखिए थोड़ी सी लदी डोर है, लेकिन फिर भी मीडियम ढर्रे पे डोर है और बढ़िया कांटेदार डोर, चांद न्याजी मन्नू भाई की डोर। और क्या प्राइस होगा इसका? ये 2250। मतलब ये भी फैंसी चरखी जैसे है या फिर ये हाई रेट वाला? नहीं, ये इन चरखियों पर लगाते हैं, ये तो किसी ने चरखी। अच्छा, ये किसी ने दी है? अच्छा, चरखी पे लगा के देते हैं। तो इस चरखी पे रेट क्या रहता है? 2200। अच्छा, इस पे 2200 रहता है। तो मतलब उनकी 2200 की आती है, फैंसी होगी तो आप चरखी दीजिए, या फिर आएगी तो महंगी पड़ेगी। तो 2200 का रेट है, डोर बढ़िया है,
और काटेदार डोर और बहुत गजब की डोर ढर रहा है चांद नियाज़ी। देखिए 10 का नंबर भी लगा, 10 ही जिनकी चढ़वाती है, 10 ही भी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने मोटे ढर्रे की डोर बनती है चांद नियाज़ी मन्नू भाई की। लड़ती लेकिन हर रही बढ़िया डोर, मोटी है तो नहीं, नहीं लड़ेगी हाँ, लेकिन लड़ती बढ़िया। और ये हमारे तारिक भाई आ गए अपने मंडेरिया लेने, नहीं आए आपको उल्लू बनाया जा रहा है, क्या कहना है, क्या आया वाया कुछ नहीं आपका, सब खैरियत है। तो देखिए इनके भी ब्लॉग आए हैं, कौन सा ब्लॉग था इनका भाई, मन्नू भाई के ब्लॉग थे, मन्नू भाई के बहुत शौकीन है हमारे तारिक भाई, मन्नू भाई से मिलवाने वाले भी हमारे तारिक भाई। अच्छा मन्नू भाई से मिलवाने वाले भी हैं, हैं हाँ, मन्नू भाई की डोर तो बहुत सालों से लड़ा रहे हमारे तारिक भाई। तो देखते हैं कौन कौन सा मंडल है और किस तरह की डोर आई है मन्नू भाई की, मन्नू भाई की डोर चांद नियाज़ी। और ये देखिए बढ़िया डोर, क्या कहना अपनी डोर के बारे में, हल्का सा मटमैला कलर है, हम कोई खिलाड़ी तो है नहीं। अच्छा नॉर्मल है, शौक नॉर्मल है, लेकिन शौक ये है चांद चांद नियाज़ी की लड़ाई, मतलब चांद नियाज़ी की लड़ाई मन्नू भाई की डोर से ही भाई की है। अच्छा कई कई सालों से लड़ा रहे हैं, 20 साल हो गए, किस्मत साल है जी। और होती है ये सलमान भाई, ये इनकी जो बनवाई है आपने मन्नू भाई की, ये क्या प्राइस है, ये क्या प्राइस है इसका जो ऑर्डर पे बनवाई है, ऑर्डर पे भाई इन्हीं ने बनवाई है, इन्हीं ने ही बात करी थी, यही बता देंगे ऑर्डर पे। अच्छा महंगी बनती है, थोड़ी महंगी रहेगी, ईटा वीटा अपना ही। अच्छा रेट का कोई वो नहीं, आने का मन्नू भाई को फ़ोन कर लीजिए, रेट पूछ लीजिए। नहीं जैसे यहाँ से अगर बनवाना चाहे मन्नू भाई की डोर तो वही मिल जाएगी, बन जाएगी, नॉर्मल ब्लॉक भी होता है। अच्छा नॉर्मल भी एम के 999 है। अच्छा अलग अलग ब्लॉक, तो ये मतलब आपके लिए जो आया ये कौन सा कैसा ब्लॉक, 0999 के नाम से, 0999। और भी कौन सा सलमान भाई आया है, मन्नू भाई तारिक भाई का भाई। अभी एक ब्लॉक आया है। अच्छा 0999 आया, तो फिर किसका आपको कुछ आइडिया लग जाए, कोई बनवाना चाहता हो शॉपिंग तो किस प्राइस में पड़ेगा। अच्छा कारीगर कोई फोन कर ले, अच्छा दुकान पे महंगा। अच्छा तो चलिए जब आप ये ब्लॉग लेना हो के लिए तो नहीं जो भेजा वो 2200 रुपये का है, तो ये दुकान पे देखिए 2200 रुपये का है। और ये नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको जो बनवाना है मन्नू भाई से ब्लॉक वो बनवा सकते हैं, वो रेट का भी आइडिया आपको दे देंगे कि किस रेट में डोर पड़ेगी, वो गज़ब की डोर होती है मन्नू भाई की, काफ़ी एक्सपीरियंस और बहुत पुराने कारीगर हैं। ये देखिए इस पे नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले और मन्नू भाई से जो डोर बनानी है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक हैं तो सबके रेट भी अलग अलग हैं। तो ये देखिए सलमान भाई इदरीस भाई का भी ब्लॉक खोल रहे हैं, और इदरीस का भी बढ़िया ब्लॉक आपको सलमान भाई के यहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए ये भी किसी की बन के आई है, ज़्यादातर ब्लॉक जो है बन के आए, ये देखिए स्लेटी कलर है, और ये सलमान भाई किसका है, इदरीस अहमद, इदरीस अहमद। और ये मतलब ब्लॉक कौन सा है, नॉर्मल ब्लॉक, क्या प्राइस है इसका, 1950। ये हमारे तारिक भाई भी खड़े, तारिक भाई कैसी डोर है, बढ़िया डोर, देखिए स्लेटी कलर है, और तो लड़ाई हल्के हल्के से बल्ब भी कुछ खुले खुले लग रहे हैं, बढ़िया डोर है, और अभी आपने गेम भी देखा था जो कि डालीगंज से हुआ था, उसमें जेबू भाई ने काटे थे 9, वो जो 9 बांधी थी डोर, जैसे आपने जानना चाहता है कौन सी डोर लड़ा रहे थे, तो वो इदरीस थी, यही नॉर्मल ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक है, और काफी ज्यादा मटेरियल है, देख सकते हैं सब लगा हुआ है, थी किसी ने गंडेदार कह के, तो ये गंडेदार है, ये देखिए गंडेदार है, बढ़िया डिजाइन एकदम अलग, और ये इदरीस भाई का ही है, इदरीस भाई का है, बढ़िया और नॉर्मल रेट 1900 रुपये, क्या बताया था आपने, 1950 गंडे डलवाए थे तो उन्होंने 100 रुपये ज्यादा दिए थे कारीगर। अच्छा गंडे डालने के लिए 100 रुपये ज्यादा दिए थे। और एक बार फिर से बता दूं, हसीन लल्ला के जो भी ब्लॉक है, नॉर्मल, लच्छी, मैग्नेट, नंबर वन और शिकारी, वो सब आपको यहाँ यूनिक काई सेंटर मिल जाएगा। फैंसी चरखियाँ भी देखिए काफ़ी लगी हुई है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आई है वो इनसे पूछ सकते हैं। अब सलमान भाई बैग भी रखने लग गए हैं, जो चरखी वाले बैग होते हैं, पतंग वाले बैग नहीं रखना है सलमान भाई, पतंग वाले भी मिल जाते हैं, पतंग वाले ये देखिए, और ये भाटिया का बैग है जो कि लखनऊ में काफ़ी मशहूर है, चारबाग में इनकी एजेंसी है, उनका बैग है, बढ़िया बैग, लेदर बैग है क्या ये, फटने की गारंटी, फटने का मतलब फट जाएगा, फटेगा ही नहीं। अच्छा तो बढ़िया ब्लैक, तो मतलब लेदर है, क्या है ये, क्या चीज़ है ये, रेक्सीन है मोटी वाली, और अंदर कैनवास कपड़ा लगा, कैनवास कपड़ा, तो इसका प्राइस क्या है इस बैग का, ये 650 का बड़ा वाला, 650 का बड़ा, अच्छा उसका छोटा भी कोई 550 का छोटा, और उसमें कम से कम 7 चरखियाँ आती हैं, हाँ इसमें 8-9 चरखियाँ, 8-9 चरखियाँ। तो देखिए एक बैग भी अब रखने लग गए सलमान भाई, बढ़िया बैग है, और काफ़ी मशहूर हैं यहाँ भाटिया बैग वाले लखनऊ में, उन्हीं का ये बैग है, बढ़िया। तो ये देखिए गाजी क्लब के एक और होनहार, और लखनऊ के काफ़ी मशहूर प्लेयर एक और आ गए हैं, सैफ भाई, सैफ भाई का भी मटीरियल आया, तो सैफ भाई आपका क्या आया है, दो चरखियाँ आई हैं,
दो चरखियाँ आई, खाली चरखियाँ आई है क्या? खाली आई है मुझे फैंसी का फैंसी। तो इनकी देखिए इद्रीस आई है जो अभी स्लेटी कलर का खुला था, ये है और देखते हैं क्या बोलते हैं डोर के बारे में। डोर बाकी किसी को पसंद नहीं आई है, लेकिन देखते हैं साहब भाई क्या बोलते हैं। साहब भाई कैसी डोर है? पसंद नहीं है बताएंगे। आप बताइए आपके हाथ में डोर है कैसी है? मतलब खाली बस लड़ा के बताएंगे रिस्पॉन्स अभी नहीं, नहीं लड़ाई थी ना। अच्छा लड़ाई थी, लेटर लड़ाई थी। और ये मैं बता दूं जो तोता कलर लड़ाया था अरफात और गौरव भाई वाले गेम में जिससे सात काटे थे, वो डोर थी और उसी का देखिए दोबारा से बनवाई है साहब भाई ने, बढ़िया डोर इद्रीस भाई की। और एक और आपका आया है, कोई दो बंडल सुने आपके आए। और ये देखिए दूसरा वाला जो आया वो ये है, ये थोड़ा सा पर्पल कलर में है और बढ़िया देखिए गजब की डोर है। ये मैं विशु की आई है। अच्छा विशु भाई की, आपने उसी वीडियो में देखा होगा विशु भाई भी थे जो चश्मा लगाते हैं, ये उनकी डोर है। दोनों ही बढ़िया ब्लॉग और गजब का बंडल और अपनी चरखियों पे बनाया, तो थोड़ा सा महंगा पड़ा है लेकिन डोर बहुत अच्छी सस्ती है भाई आज के टाइम के हिसाब से। सस्ती है, 1950 रुपए का, 1950 रुपए की है, बढ़िया। आप देख लीजिए बढ़िया बढ़िया प्लेयर हमारे तारिक भाई हैं और सैफ भाई हैं और भी लोग आके ले जा चुके हैं सामान, तो अच्छी डोरें आपको 2000 के रेट में यहाँ मिल जाएंगी और सब एक नंबर की डोर है। और कलर भी देख सकते हैं अलग अलग कलर की, बाकी जो आप ऑर्डर पे बनवाएंगे उसका थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो आप हो जाएगा 150 रुपये। तो आप कुछ टून देख लेते हैं जो कि सलमान भाई के याले झोले में, देख लेते हैं कौन कौन सा टून और किस किस का टून आया, क्या क्या प्राइस है। और ये हमारे देखिए जिम्मी भाई भी आ गए हैं कुछ मटेरियल लेने के लिए यूनिक काइट सेंटर पे, और ये मूनलाइट के मेंबर हैं, बढ़िया पतंग लड़ाते हैं। और देखिए इधर हमारे सलमान भाई, तो सलमान भाई के बाद टून भी आया है जो मैंने आपको दिखाया था, तो टून दिखा दिए सलमान भाई किस किस के हैं। तो ये रखिए, ये हमारे जड़ीले बुड्ढे हैं जिम्मी भाई, साहब भाई की आवाज है बता रहे, बहुत काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे जिम्मी भाई लखनऊ में, बहुत बढ़िया। और सब देखिए एक से एक लखनऊ के काइट प्लेयर यहाँ पे हैं, ये हमारे साहब भाई जा रहे हैं कहीं जाना है इनको। तो सलमान भाई ये टून किस किस के हैं भाई? शिवम का है, बनने का है। शिवम का है, बनने का है। चलिए बढ़िया बढ़िया टून है, अब इसका रेट देख लेते हैं और कौन कौन से कलर देख लेते हैं, काफी बंडल है तो कुछ खुलवा लेते हैं। तो क्या कहना है जिम्मी भाई, आप तो बहुत लेट आए फाइव स्टार के बारे में। भाई ये बहुत अच्छी डोर है और इस टाइम की बिल्कुल बारिश की, तो मैं एक चीज बता दूं जो मांझे हैं, जैसे आदमी पूछता कब मांझा ले किस वक्त कर ले, तो बारिश के एंडिंग या फिर सर्दियों का जो मांझा होता है उसका जमाव काफी अच्छा होता है, तो जो मांझा अगर आपको बनवाना है तो लेना है और लेके रखना है तो इसी वक्त कर ले। जमाव किसी टाइम का नहीं अच्छा, जमाव जो है मटेरियल का होता है, मटेरियल का होता है। हाँ, तो मतलब क्या रखने पे अच्छा फर्क पड़ता है इसमें भाई, मतलब क्या रखने से बंडल अच्छा हो जाता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मगर अब केमिकल बहुत आ रहे हैं तो आइए लड़ाइए, आइए लड़ाइए खत्म करिए बस। देखिए अलग अलग ज्यादा रखने वाले नहीं होते, तो बता के जाओ बता के क्यों नहीं जा रहे। और ये देखिए एक और गजब का रंगीन कलर है, किसका है ये टून? ये शिवम का, ये भी शिवम का देख लेते हैं। तो तीन नंबर टून है ये, तीन नंबर, और काफी बढ़िया ग्लेस है। ये देखिए हमारे जिम्मी भाई उसके बारे में कुछ बताएंगे, काफी एक्सपीरियंस है इनको, क्या कहना है? अच्छा टून, और ये मुलायम है मतलब जमीन पे गिरने पे। और ये देखिए टून जमीन पे जब गिरता है तो मुर्री खाता, देखिए टून मुर्री नहीं खा रहा, मुलायम टून है, अच्छी ग्रेड है। 1800 रुपए बढ़िया। और आपका पास जो बनने का है उसका जो बनने का 1500, तो इसमें भी कुछ अलग अलग वैरायटी है, नॉर्मल स्पेशल या कुछ? बनने का ही होगा मेरे पास, एक शन्ने का आता है। अच्छा बनने और शन्ने होगा तो उनका बता देंगे, बता फिलहाल उनका नहीं है। तो जो कलर है थोड़े थोड़े कलर दिखा दीजिए, देखिए ये बंडल है, कुछ और बंडल भी है तो उसको निकाल लीजिए, लोग कलर देख ले। बबलू का ही टून होगा मेरे पास, ये भी एक रंगीन कलर है जिम्मी भाई, इसको भी खोलते हुए सब रंगीन है, ये रंगीन जितने भी है सब शिवम के हैं। हाँ, ये सब शिवम के हैं, बढ़िया तीन नंबर टून है सारे। और तो मोटा मतलब किसी को चाहिए 3.5 या 4 नंबर टून? 4 नंबर ही है। अच्छा 4 नंबर भी है, देखिए 4 नंबर भी एक हल्का लाइट पर्पल में है। और ये किसका है बनने है शिवम? ये उसका है बबलू का। अच्छा ये बबलू का है, कहाँ के भाई? कोई नहीं है बनने, मतलब बनाते थे पहले लेकिन अच्छा अभी वो सऊदी चले गए। अच्छा उनके यहाँ जो कारीगर बनाते थे बबलू और उनके भाई शन्ने बनाते थे, ये बबलू का टून है जो इस टाइम बनने के नाम से बिकता है यहाँ। देखिए 4 नंबर टून है और सभी लोग देखते हुए टून को, तारिक भाई क्या कहना? अच्छा टून है, मुलायम भी है और 4 नंबर बढ़िया टून है। देखिए और इसमें मुर्री उर्री भी नहीं आ रही, देखिए अगर ज़मीन पे गिरता है तो मुर्री नहीं आ रही है, लच्छे हो रहे हैं क्योंकि नया टून है लेकिन मुर्री नहीं आएगी। तो क्या प्राइस होगा इसका 4 नंबर का? 1550 रुपये बढ़िया। तो ये टून है सिंगल कलर, अच्छा मतलब अगर इसका सिंगल कलर ही रहता है,
मतलब कलर अगर बना के अगर किसी ने कहा भाई डबल कलर में बना दिया ट्रिपल में, नहीं बनाते। अच्छा ये बनाते ही नहीं है। नहीं बनाएंगे। अच्छा ये चीज़ है। चलिए तो ये और भी टून है आपके पास? तो देखिए ये टून है, टून अभी आपके सामने जो जिनके जिनके थे वो ले गए और जैसे मान लो कोई ऑर्डर पे कोई कलर बनवाना चाहता है टून के लिए या रील के लिए बनवा रहे हैं, जिस कारीगर से बन पाएगा बन जाएगा। चौबारा भी अगर ऑर्डर देंगे आप जी, चौबारा भी बन जाएगा। चौबारा किसका बनवाएंगे? अमन का बन जाएगा, गुड्डू का बन जाएगा, कल्लन का, जिसका भी कल्लन का नाम ज्यादा रहता है तो कल्लन भाई का भी चौबा। बिंदी मामा का टून नहीं आया आपकी बार? बिंदी मामा का टून अभी बरसात की वजह से उन्हें नहीं भेजा, नहीं भेजा, निकल गया थोड़ा धूप। बिंदी मामा जी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सलमान भाई को टून पहुँचा दीजिएगा। टून इनका नहीं दिखाया आपने, बाकी सबके इन्होंने टून दिखा दिया। तो ये था आज का स्टॉक, जो काफ़ी स्टॉक आया हुआ है, सबके बंडल आपने देख लिए, मांझे भी अलग अलग हैं। ऑर्डर करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऑर्डर करके बनवाने पर आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। चरखी अगर अपनी दे देंगे कोई फैंसी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके 150 रुपये कम हो जाएंगे। तो बढ़िया दुकान, बढ़िया शॉप है और एक से एक लखनऊ के अच्छे काइट फाइटर भी यहाँ से अपना मटेरियल लेते हैं। तो सलमान भाई अपना नंबर भी एक बार बता दीजिए। 9140948471। तो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी है जी, ये व्हाट्सएप पे भी नंबर चलता है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सलमान भाई से आप का बाहर के हो या लोकल के हो तो यहाँ दुकान पे आ जाए, अगर बाहर के हैं तो आप ऑर्डर करके भी सामान को मंगवा सकते हैं। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, जब भी आप ऑर्डर करें तो सलमान भाई वीडियो बना दे सामान भेजने से पहले, और आप जब उसकी अनबॉक्सिंग करें तो उसको वीडियो बना के एक बार दिखा जरूर दें, जिससे कोई भी नुकसान हो तो दोनों लोग उसको आपसी सहमति से बीच से बात करके बातचीत करके हल कर सके। तो ये थी यूनिक काइट सेंटर, और फिर से जब नया स्टॉक आएगा तो हम लोग कवर करेंगे। और सलमान भाई पतंगे नहीं आई है कोई? क्या पतंगे भी अभी बारिश की वजह से नहीं आ रही? अच्छा, बारिश की वजह से नहीं आ रही है, खराब हो जाती है काम करते से। अच्छा, इसलिए पतंगे काम है, बाकी पतंग है पहले की है, पहले की पुरानी पतंग है। चलिए ठीक, तो मतलब कोई एक रेट बता दीजिए पतंग में भी, कितने कम से लेकर अद्धी है पौना है? नहीं होगा अभी फिलहाल मेरे पास अद्धी का सीजन, तो सबसे कम पौना कितने का है, किसका है? 20 रुपए का, RML का। और सबसे महंगा? उसके ऊपर फिर जाते रहेंगे जितना भी महंगा हो। फिर भी एक आइडिया, मतलब जैसे कोई फिलहाल अभी राजा का होगा 40 रुपए का, राजा का 40 रुपए का, राजा मुरादाबाद वाले, राजा मुरादाबाद का होगा 35-34। अच्छा 35-34 रुपए का, चलिए कारीगर है। पतंगे भी पौने जो है वो अवेलेबल है। तो क्या कहना है जिम्मी भाई दुकान के बारे में? आप लोग बैठे हैं, काफी सीनियर प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस है, नाम है आप लोगों का लखनऊ में। फिलहाल जो है सलमान भाई हमारे प्लेयर भी हैं जी, तो जो चीज़ लाते हैं वो छाट के लाते हैं, छाट के लाते हैं। इन्हीं ने जो भी चीज़ रखी है यहाँ वो महल्ले वाली लड़ने वाली नहीं है, लड़ने वाली नहीं, सब क्लब प्रोफेशनल क्लब वाली है, एक नंबर की चीज़ है, वो ही सब रखते हैं। और तारिक भाई अपने कई बार मांझे बनो, तो तारिक भाई बढ़िया और मुलाकात मन्नू भाई की, हमारे तारिक भाई ने कराई थी, लेकिन मटेरियल ये है मन्नू भाई का भी अब आने लग गया है। और 10 फिरकी की डोर होती है, थोड़ी सी लदी हुई लेकिन बढ़िया डोर होती है, देखिए